सादा सी बातें, हल्की जेब का गम बहुत वजनी होता है। माँ तो खाली पेट सो सकती है मगर ममता नहीं। मारने वाला और मरने वाला दोनों परदेसी हैं। भूख की कोई इखलाकियात नहीं होती। किसी की मदद करने से दोनों के आंसू निकल सकते हैं मगर खुशी के। अगर आप किसी की लाइल्मी से फ़ायदा नहीं उठाते तो आप कमाल करते हैं। किसी को नुकसान ना पहुंचाना भी दरअसल फ़ायदा पहुंचाना है। फितरत को किसी भी काम में कोई जल्दी नहीं होती, ये बहुत बड़ी हकीकत है। वक्त के सफ़र में आप तन्हा ही होते हैं। आप क्या हैं? अगर ये बात आप खुद जानते हैं तो फिर किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप क्या हैं। एतमाद और एहतियात दोनों को साथ साथ रखना चाहिए। एहतियात शक के मुकाबले में बेहतर अमल है। उम्मीद रखने का ताल्लुक कोशिश और सब्र करने से है। कानून की सिर्फ एक आंख होनी चाहिए। आप कौन हैं इस बात का इल्म कानून को नहीं होना चाहिए, मगर आपने क्या किया है इसका इल्म ज़रूर होना चाहिए। कानून का यकसां इतलाक ही मुआशरे को अफरा तफरी से बचाता है। सबसे पहले समाज के ताकतवर लोगों को साहिब इल्म बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इल्म सबसे पहले उसे मिलना चाहिए जो इल्म हासिल करने की कोशिश करे। व्यूअर्स, आपको ये नसीहतें कैसी लगें? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।